देखिए, एक सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? अंडर रूट 6 माइनस 4 रूट 3 प्लस अंडर रूट 16 माइनस 8 रूट 3 इज इक्वल टू। कई बार ये क्वेश्चन बड़े सिंपल तरीके से हो सकता है। एक सबसे पहले बेसिक चीज याद रखिएगा कि अंडर रूट से निकली क्वांटिटी का आंसर निगेटिव नहीं होता। जैसे लिखा है 1 माइनस रूट 3, यानी ये आंसर तो नहीं होगा। एक इसका कॉम्बिनेशन दिया है रूट 3 माइनस 1, अगर इसके साथ इसका दिया तो बहुत चांसेस है ये हो, यानी अंडर रूट से निकला हुआ आंसर पॉजिटिव होता है। करते कैसे हैं? देखिए, जैसे इसमें 1/1 करें तो आपको दिया है 16 माइनस 8 रूट 3। आप इतना ध्यान रखिएगा कि जैसे ये दिया है 16 माइनस 8 रूट 3, तो इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये रूट 3 से आप इसको लिख सकते हो 16 माइनस 2 इंटू 4 इंटू रूट 3। इसका क्या मतलब है बताता हूं। यदि मैं आपसे बोलूं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आप बोलते हैं ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अगर मैं इसको 2ab में ब्रेक करूं तो इस नंबर को ब्रेक कर सकता हूं, पर 4 का स्क्वायर 16 होता है तो ये ब्रेक ठीक नहीं है। तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 16 माइनस 2 इंटू 2 इंटू 2 रूट 3। क्या एडवांटेज होगा समझिएगा। अगर 16 को मैं, ये देखिए, एक 2 तो हो गया 2ab का, एक a हो गया, एक b हो गया, b क्या हो गया रूट 8 हो गया, एक तरह वो रूट 12 हो गया। तो इस नंबर को हम चाहें तो 16 माइनस 2 रूट, सॉरी 16 माइनस, समझना अच्छे से, 16 माइनस 8 रूट 3 को मैं ऐसे लिख सकता था अंडर रूट के अंदर ही, 12 प्लस 4 माइनस 2 इंटू 2 इंटू 2 रूट 3। एडवांटेज कि आप इसे ऐसा लिख सकते हैं, 2 रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 इंटू 2 रूट 3, यानी ये फाइनली 2 रूट 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। एंड रिमेंबर वन थिंग कि कभी भी याद रखिए, मॉड ए माइनस बी, ए माइनस बी भी होता है, बी माइनस ए भी होता है, डिपेंड करता है कि ए बड़ा है या बी बड़ा है, क्योंकि मॉड से या अंडर रूट से निकली क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होती है। तो इसको यही लिखिएगा, गलती से ये मत लिख दीजिएगा। होल स्क्वायर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर अंडर रूट से बाहर ही आएगा तो गलत हो जाएगा। इसका मतलब इस फर्स्ट वाले फैक्टर को आप लिख सकते हैं 2 रूट 3 माइनस ऑफ 2, यानी इतने पोर्शन को आप लिख सकते थे 2 रूट 3 माइनस 2। तो जब आप इतने पोर्शन को लिखेंगे 2 रूट, ये ऐसा हो गया और आपने लिखा 2 रूट 3 माइनस 2, तो एक तरह से ये बन जाएगा 6 में से 2 तो 4 माइनस 2 रूट 3। अब इसको फिर ब्रेक करिए तो आप इसको लिख सकते हैं 3 प्लस 1 माइनस 2 इंटू 1 इंटू रूट 3। इसका मतलब आप इसको लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते थे रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू रूट 3 इज मीन्स, आप बोलेंगे रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो रूट 3 माइनस 1। अब कोई बच्चा ये लिख लेता तो स्क्वायर में तो फर्क नहीं पड़ता, पर अगर बाहर निकालते तो निगेटिव हो जाता जो ऑप्शन ए में दिख रहा था। ये मिस्टेक हो सकती थी, तो केयरफुल रहिएगा।